हाँ सही है भाई, सही है। तो गए थे इसको हम उठा के बाहर थे जब मेरी जमाने की, तो मैं ऐसी चीजें डालस के अंदर और दाढ़ी भी बनानी थी। और यार जो हमजा का स्कूल में देख के थे ना कल, मैंने पता किया था, साजिद भाई भी गए थे वहाँ पर, तो सीन ये है कि उसकी एडमिशन बंद हो गई यार इतनी जल्दी। हालांकि इसी मंथ तो खुलते हैं, और अभी क्या है 6-7 दिन पहले मेरे ख्याल से खुले हुए, सर 8-10 दिन हुए हैं सारे को खुले हुए, फिर बंद भी हो गए। तो खैर किसी और स्कूल या फिर वहीं पे जाके मैं फिर से उनसे बोलता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई यहाँ पे डाल दे उसको, क्योंकि वो पास में था ना स्कूल, दूसरों के तो शायद खुले होंगे, अगर उसका नहीं होता फिर किसी और जगह पर ट्राई करते। और गैस ये डिवाइस हमने कल ही ली थी और रात से जो ना ये ख़राब हो चुकी है, मतलब ना कोई रिस्पॉन्स करे, ना ऑन हो रही है ना ऑफ हो रही है, खाम खा 8,500 रुपये की थी। अब ये शॉप वाले के पास चल जाते हैं, देखते हैं वो क्या करते हैं, अभी वापसी करते हैं या न्यू देते हैं कि या देता ही नहीं है, या बोलेगा अपनी वापसी ले जाओ। एक रात भी नहीं चली सही से यू फ़ोन की, इतनी बकवास था कि, और काम भी इतना अच्छा नहीं करते, इससे अच्छा तो मेरा मोबाइल करता है काम। तो अभी मैं जाने से पहले ना अपने पौधों को जो ना यहाँ पर दिया हमने पानी, इसके अंदर गुलाब के अंदर सबके अंदर, गुलाब तो सूख गया यार, क्या शायद फिर से होगा ऐसा कुछ होगा, लेकिन लग नहीं रहा कि होगा या नहीं होगा, चलो जो भी अभी क्या कर सकते हैं। आ जाओ, और मीर जो ना पीछे रो रहा है, और गए मैं बाइक पे जा रहा था, मुझे इसमें एकदम डर, बाबा जानी सलन सर पीछे हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो ये जगह जो है ना ऐसे ही होती है, थोड़ी सी टेढ़ी होती है शायद यहाँ पर, वो ये नट वट इनके लिए ना, तो इसको लगे टेढ़ा हो गया और ये हो गया वो हो गया। छोड़ यार हमजा, एकदम जान निकाल दी, मैंने बोला फिर से कोई नुकसान हो गया, पहले तो वो ख़राब लेके जा रहे, मार खाएगा हमजा आप मुझे। तो आपने नहीं देखा तक, एकदम चीखे बाबा जानी सरन सा टेढ़ा हो गया, बाबा जानी सरन सा टेढ़ा हो गया पागल। तो गैस बाल वगैरह कटा लिए हमजा ने भी और मैंने भी, और अभी चलते हैं वाईफाई वाले के पास, देखते हैं हमारा सेट हुआ या, तो अभी डिवाइस हमारी ठीक हो चुकी है। और खैर अभी हम लोग यहाँ से लेते हैं किस, तो अभी काऊ वगैरह आई हुई थी, वो देखो मीर बोरा अबू के साथ वो गए हुए हैं, ये काऊ देखने गए थे, फिर उनसे बातें भी कर रहे हैं। और काऊ जो है ना सारी ये हैं, बकरी भी इधर ये रही सारी, काऊ बकरी भैंस सारी आई हुई हैं। अच्छा यार वैसे ये है कि दिखने में बहुत मज़ा आता है घर के पास में। और अभी मैं सोच रहा हूँ अपने घर में जो कूलर पंखा है ना उसको बाहर यहाँ लगाते हैं, विंडो में इस तरफ बाहर की तरफ लगाते हैं। जी ठीक है ओके। तो गैस अभी पता है हम लोग क्या सोच रहे हैं, इसको यहाँ से उठाते हैं और इन्हें रखते हैं बाहर अपने रूम के जो बाहर वाली साइड ना वहाँ पर, और इसको बाहर शिफ्ट करते हैं टेबल के साथ। वैसे टेबल के ऊपर शीशा बन जाता है, सिर्फ कुर्सी रहते हैं डाइनिंग टेबल बन जाती है, ये भी एक अच्छा है ऑप्शन है, चलने देखेंगे। फिलहाल जो है इसको बाहर रखते हैं कूलर पंखे को, हमारे कमरे की जो विंडो है ना उसमें सेट करते हैं इसको। तो अभी इसके ऊपर से ना कूलर पंखा हटा दिए, तो अभी इसको बाहर लेके चलते हैं। तो गए थे इसको हम लोग उठा के बाहर, जब मेरी वाइफ सुबह सर खा के यहाँ से ले जाएगा वहाँ से ले जाओ ये है वो है, मैंने इसको बोला है कि यहाँ सामने शायद चला जाए, जाओ जाओ शायद नहीं वहाँ से भी ये भागता हुआ चला जाएगा। ओके ओके, और जब चला जाएगा ना फिर मुझे बताना, सही है ना। यहाँ से इसने बोलेगा नहीं जाएगा, और मैं 100 में से 200% बोल सकता हूँ यहाँ चला जाएगा, सुकून से चला जाएगा। वो मेरी खिड़की में रखे बोलते, इसको फेंक रहे आपको पता है इसके ऊपर 50,000 की बन जाएगी, ये पूछने गया था वैसे बोल रहे 2,00,000 की, 2 करोड़ की। रुको तो भाई अभी है ना रूम में शिफ्ट हो रहा है कूलर, मुझे लग रहा है कि ये 200 की भी नहीं बचेगी। चुप कर ऐसे नहीं, बाबा के पत्ते तो गुस्सा करेंगे। हाँ भी ऐसे ही है, 4 कान चार कान वाला बकरा, इसको बोलो ये हमें दे दे गर्दन के, मीर इधर नहीं नहीं वाकई ये कुदरत के ना, इसके 2 है ना गर्दन के पास भी कान, मतलब गर्दन से थोड़ा ऊपर कान के नीबू देखे 2 बने हुए, कुदरत भाई कुदरत। कैसे मीर हमजा जब मेरी जमाने की, तो मैं ऐसी चीजें अकेले उठा के रख देता हूँ, मैं भी उठा था लेकिन मेरा अभी जब अब्बा है तो इधर आओ ना, उल्टा क्यों जा रहे हो।
ऊपर ही है। वो जो चाचू के डोर के आगे पड़ी है ना, वो ले लो, उठा लो वो वाले। उसका इसलिए नहीं बोल रहा रहने दो। उठा लो, उठा। क्या हो रहा है, पड़े रहे हैं। हाँ, ये पड़ कहे चुआ आई आई चुआ बाबा जल्दी कर यहाँ से और उठा रहे। मगर साइज भी जैसा नहीं रहा है। चाचू साइज वो बड़ा मोटा साइज है, ये पतला है। तो गाइस इसको मैंने अभी बाहर खड़ा कर दिया है, बाहर तो खड़ा कर दिया, लेकिन मसला पता क्या है, आगे तो आती है ये वाली ग्रिल, ये ऐसे ये वाली, मतलब ये जाली जो है, लेकिन इसकी वजह से ना काफी हवा रुक आ तो रही है, ये नहीं कि नहीं आ रही, लेकिन मतलब मेरे ख्याल से आधी से थोड़ी कम आ रही है, आधी आ रही है और आधी जना वेस्ट हो रही है। या तो फिर हम ऐसा करें, इसको यहाँ से ऐसे काट दें, ऐसे ही कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि रखना तो बाहर ही है, कूलर पंखे जितने भी होते हैं वैसे बाहर ही होते हैं, घर में अंदर तो कोई नहीं खड़ा करता। काट दें, क्या करें, इसको सोचते हैं इसके बारे में। तो गैस कूलर पंखा तो लग चुका है, लेकिन अभी बारी है पर्दा लगाने की, तो अभी इसके अंदर पर्दा लगाते हैं, उसको बंद करते हैं। हमसे दोनों हाथों से करो, आपको बाबा पकड़ रहे हैं। लोग खिड़की ना गिरे, दोनों चढ़ गए हो। अब वो दूसरे दोनों लगाए, वो लगाए। अब इधर कर देना, हाँ इस तरफ कर दे, वो हवा रुक गई है। चलो तो गाइस फाइनली हमारा पर्दा भी लग चुका है यहाँ पर, ये वहीं से कराची से लाते हैं, बाद में यहाँ पर अभी ना न्यू लेंगे, फिलहाल जो पड़े हुए उन्हीं से गुजारा कर रहे। तो खैर ये भी लग गया अभी यहाँ पर। और गैस अभी हम लोग निकले थे कि भाई दूध वाला अंकल आया कि नहीं आया, देखें वो सामने आए गए, तो अभी दूध लेते हैं। तो अभी मैं अभी बाहर गया था पुदीना की पत्तियां तोड़ने के लिए, तो पुदीने की पत्तियां तोड़ के अभी अपनी वाइफ को बोलता हूँ कि भाई कहवा बनाए, कहवा जब तक नहीं पीना दिन नहीं गुजरता, अभी तो आदत बन गई इसकी। तो गैस अभी हम लोग घर पर थे और हमारे पास हैं बहुत ही प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर, और ये हैं मोहम्मद हादी। कैसे हो अभी मोहम्मद हादी? ठीक हो? और ये हैं मार, क्या रहा था, मारूख, और कैसे हो भाई आप? ठीक हो? और ये हैं इनके पापा, और कैसे हैं भैया आप? और सुना सब खैरियत है? जी मलिक मुबीन सजाद भाई, ये और इनकी फैमिली आई थी मतलब हमसे मिलने के लिए, तो भी बहुत शुक्रिया आपका इतने दूर से, ये तक कोई 50 किलोमीटर करके आए ऐसे। चलें यार, असल में हमारा घर भी बहुत, असल में 20 किलोमीटर से बहरे टाउन में ही बन जाता है, हाँ आगे तो बहुत डिस्टेंस है। चलें अल्लाह खैर। हाँ तो गैस अभी जो फैमिली आई थी ना, वो लेकर आई थी ये सामान, असल में उनका ये जो ना इनका काम है, मतलब ये हो गए। अच्छा वो हमसे वो कार्ड वो अपने कार्ड वगैरह भाई आए थे ना, उन्होंने ये अपना विजिटिंग कार्ड दिया, वो इस कंपनी में जो ना उनका काम है, तो मतलब वो लोग जो ये लोग जो है ना क्या कहते हैं, ये सारी चीज़ें बनाते हैं और जो ना इनको सेल करते हैं, जैसे कि ये कप हो गया, देखो इनके ना अच्छे से दिल बनवा रहे हैं, देखो तो उनके मतलब वो बोलते हैं ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि हम तो इनको ये देखो ऐसे ये देखो भाई, मतलब टॉयज हो गए, खिलौने हो गए, तो ये उनकी एक कंपनी है, तो उस कंपनी के हिसाब से वो आए थे, उन्होंने जो है ये चीज़ें दी हैं, और इसके अंदर बच्चों के जो ना खिलौने भी होते हैं और कुछ होता है। ये तो हमारे अच्छा, ये जो ना लड़कों के लिए और ये है लड़कियों के लिए। हमजा ये खोलो, इसको खोल के दिखाता हूँ कि भाई इसके अंदर क्या क्या होता है। हमजा कब से ना मेरे पीछे पड़ा हुआ, इसको खोलो 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 खोलो, तो इस वजह से मैं बड़ा भी खोल, इसे तो मैं खोलता हूँ मुझे दो। तो भाई अभी जो ना हमजा इसको खोलो, इसको घुमाओ ऐसे, एक गए ये, हाँ घुमाओ ऐसे ही से नहीं होता, छोड़ तुम टाइट कर रहे हो। तो भाई एग को जैसे ही आप लोग खोलते हो ना, इसमें से क्या निकलता है, हमजा ये निकालो, ए बी सी डी, और बच्चों के जो ना ये टॉयज वगैरह निकलते हैं, तो मतलब बच्चों के जैसे किसी को गिफ्ट वगैरह देना तो उसके लिए बेस्ट है। कैसे हमजा
अमीर 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 आपके लिए है मेरा बस। चल ठीक है। अच्छा अभी चाबी के लिए ना ये कड़ा भी है सर, ये हमने बच्चों को बहुत अच्छा लगा, ये देखो हमसे अच्छे ना ये देखो गाइस वाओ क्यूट से मीर। ये भी इसी में से निकले चॉकलेट भी इसके बहुत सारी चीज़ें, मतलब बच्चे खुश हो जाएंगे। ठीक है ठीक है पापी है। तो भाई पूरा दिन मीर जो ना व्लॉग से शार्ट था। मीर सलाम करो, बोलो अस्सलामुअलैकुम। इधर खड़े सामने खड़े हो, बाल भी बना के आयो। वाह भाई वाह जी। माजी मीर पता क्या चाहता ऐसे तो चूना था। हमजा आपने भी सलाम नहीं किया ना, सलाम करो। अस्सलाम कैसे से दिखा दो सही से। अस्सलाम कैसे से दिखा दो सही है। और गाइस इसकी कटिंग देखिए अभी अच्छा लग रहा है ना, प्यारा लग रहा है छोटे बालों का। जी जी वे जी अभी आप मीर छोटे से कैट हुए देखा है ना मुझे। आप बोलिए कि मैं तो बड़ा हो गया। बड़े हो गए हो? नहीं कैसे हाँ। बाल कटवाए ना हाँ। आपको लग रहा है कि अभी मैंने बाल कटवाए और बड़ा हो गया। हाँ भाई बड़े हो गए अभी आप। और गैस आज जो ना हमारा नेट बिल्कुल ही नहीं चल रहा, पता नहीं क्या मसला है। सुबह से जो ना नखरे करके चल रहा है, मोबाइल में भी नहीं चल रहा, उधर भी नहीं चल रहा। तो हालांकि आगे पीछे बहुत ज़बरदस्त चल रहा है, आज बहुत ही ज़िद्दी हुआ हुआ है, ना चल रहा है ना कुछ, तो पता नहीं क्या होता है इसका। तो खैर जो है गुजारा करें भी, अभी वाईफाई लगवाना ही पड़ेगा, भले 35,000 है जो भी है। मैंने बोला नेक्स्ट मंथ करेंगे, इस मंथ जो ना गुजारा करते हैं। डिवाइस भी ली खाम का, डिवाइस भी काम नहीं आई, वो उन्होंने ठीक कर दी, बोले बैटरी जो ना डेड हो गई थी, पहले बैटरी नहीं डाली है क्या, लेकिन उसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो सारा वेस्ट ही वेस्ट है, उससे बेहतर ही बंदा एक ही बार प्रॉपर काम करा ले। यहाँ पे लगते हैं भाई दूसरे वाले, वो फाइबर वगैरह आते नहीं है जी। ये देखो हाँ सही है भाई, सही है सही है भाई, सही है सही है। तो यहाँ पर जो ना अभी लगेगा वो वाला, यहाँ पे ना खंभों पे, यहाँ पे एक साथ में घर है ना, इसकी छत पे लगा हुआ है वो एंटीने वाला, वहाँ से ना ये लोग वायर लेकर आते, नीचे वाईफाई चलते हैं, मतलब चलता है ये भी जैसे अच्छा नेट है ना, वैसे मैंने चेक पता किया इनसे, बोलते हैं अच्छा चलता है, लेकिन ये थोड़ा महंगा पड़ता है, जो आम नेट होता है ना उससे महंगा पड़ता है, क्योंकि इसकी ना कोई डेटा केबल ऐसे मतलब ज़मीनी कोई कनेक्शन होता नहीं है, ये ऊपर से लगती है उसके सेटेलाइट के ज़रिए कोई लेकर आते हैं वही मीर, तो ऐसा कुछ इनका तरीका है। खैर भाई अभी वही जो ना मंडे वाले दिन। तो गैस मैं अभी आपको देने लगा हूँ रूम का टूर, फिलहाल जो ना कुछ इस तरह सेटअप कर दिया है, बेड वेड तो जब लेंगे इंशाल्लाह मंडे वाले दिन से ना हम लोग शुरुआत करेंगे सामान लेने की। तो बस और जो ना कूलर पंखा यहाँ पे लग चुका है, ये इधर बाहर, और यहाँ से मैंने जो ना सामने से मैंने थोड़ी सी जाली हटा दी है ताकि इसका जो ना वो क्या बोलते हैं हवा वगैरह बिल्कुल क्लियर हो जाए इनसे। और यहाँ पे ना कूलिंग भी अच्छी कर रहा है क्योंकि बाहर पड़ा हुआ ना, तो बिल्कुल। तो अभी बस ये है कि सामने का सारा कुछ हो गया, बस एक दो दिन तक इंशाल्लाह मैं आपको पूरे घर का टूर दूंगा, कितने रूम क्या सेटअप है क्या क्या है, क्योंकि काफ़ी लोग बोले भाई पूरा वो करो, तो वो भी इंशाल्लाह बहुत एक या दो दिन में इंशाल्लाह दिखा दूंगा आपको। और फिर जो है ना जब पूरा रूम हमारा सेट हो जाएगा, मतलब ये और पूरे अबू का रूम सब चीज़ें, उसके बाद एक और आपको टूर दूंगा जिसके अंदर आपको सब कुछ दिखेगा। ये सारे नए लेंगे, ये यहाँ पर ये पतले वाले ना सब ने बोले मोटे वाले ले लो क्योंकि यहाँ पे सर्दियाँ बहुत आती हैं, तो वो भी नए लेंगे, सबको नए लेंगे। खैर फिलहाल जो ना अभी इसमें शिफ्ट हो रहे हैं क्योंकि वहाँ से ना वो छोटे छोटे कीड़े आते थे कभी, काफ़ी बार आ जाते हैं छोटे छोटे, वो उस जहाँ पर बाहर हम लोग गार्डन में बैठे हुए थे वहाँ पर, वो साथ में ना घास वगैरह ना इस वजह से इधर इस रूम में नहीं आते ज़्यादा क्योंकि ये बंद भी रहती है और जो ना ये भी है। तो खैर अच्छा है अभी फ़िलहाल जो है ना यहाँ पर ये सीन है, बाकी आगे चलते हैं। अच्छा ये रूम है गाइस पूरा तो दिखाऊं, ऊपर पंखा है, ये लाइटें हैं सही है, और इसके अंदर एक कबर्ड है, ये ऐसे पूरी बहुत बड़ी कबर्ड है, ये अंदर फिक्स है, ऊपर भी बहुत सारा सामान है, नीचे भी अभी तो हमने आधा भी नहीं फुल किया, मतलब इतनी बड़ी कबर्ड है ये वाली, तो ये अच्छा है वैसे सही है ज़बरदस्त है। चलें जी तो आज का व्लॉग हम यही पेंड करते हैं, उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा, अगर अच्छा लगे अभी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मिलते करेक्ट नेक्स्ट व्लॉग में। और आज के दिन हमने जो किया खैर आपके साथ शेयर किया था और रूम का छोटा मोटा टूर दिया, बाकी जब ये पूरा सेट हो जाएगा इंशाल्लाह आपको जनाब तब भी दिखाएंगे, इंशाल्लाह एक दो दिन तक ना पूरे घर का भी आपको टूर देंगे इंशाल्लाह। तो खैर मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।